गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू माय चैनल टॉक विद सल्लू में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, COVID-19 सिचुएशन चल रही है पुणे में। पुणे स्टिल इन द टॉप पोजीशन इन इंडिया, सबसे ज़्यादा एक्टिव केसेस पुणे में ही है। हाफ केसेस मुंबई में है एंड 1/3 दिल्ली में है। उसके बाद फिर आता है बेंगलोर एंड चेन्नई। डेथ रेट में पुणे अभी भी 3rd नंबर पर है। फर्स्ट पे मुंबई, फिर दिल्ली, फिर पुणे, देन बेंगलोर एंड चेन्नई। मैं जाया हूँ डिपार्टमेंट ऑफ सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस में, एंड जो जर्नलिज्म के कोर्सेज है जो सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के, उसमें भी वो भी अवेलेबल है यहाँ पे। यह बिल्डिंग देख सकते हो, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए। तो फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए कौन कौन से लैंग्वेजेस यहाँ पे, 5 लैंग्वेजेस बताए इन्होंने मुझे। एक तो बताया जर्मन, स्पेनिश, रशियन, फ्रेंच एंड जैपनीज। ये 5 लैंग्वेजेस इन्होंने बताए मुझे। इसके फ्रेंड्स ऑनलाइन फॉर्म्स होते हैं, आपने ऑनलाइन फॉर्म्स फिल करना है। अगर आप इंडियन हो, महाराष्ट्रियन हो, आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। और ऑनलाइन फॉर्म अगर आपने जो फिल किया, उसके बाद यहाँ पे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। एंट्रेंस एग्ज़ाम आपने किया तो फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद। और फीस बहुत नॉमिनल होती है गवर्नमेंट का, तो 4,000 से 5,000 फीस में आपकी लैंग्वेज क्लियर हो जाती है। हर लैंग्वेज की फ़ीस सेम है 4,000 to 5,000 में। मतलब अच्छा है, मतलब इतनी अच्छी लैंग्वेज सीखने मिल रही है और वो भी 4,000 to 5,000 में। और क्या चाहिए आपको, और यही बोलना चाहता था मैं, और क्या चाहिए मीन्स आपको, है कि नहीं। तो अच्छा है, कैंपस भी ठीक ठाक है, अब गवर्नमेंट का है तो ठीक ठाक है। देख सकते हो आप वहाँ पे, देख सकते हो आप 2 सिपाही बैठे हैं, मुझे भी घूर रहे थे। घूरो घूरो, वीडियो तो मैं निकाल के ही रहूँगा। सल्लू से कोई नहीं जीत सकता। और अगर आप देखोगे तो कैंपस तो बहुत अच्छा है पुणे का। एक बात अच्छी, कैंपस जितने भी है ना पुणे में, वहाँ पे ये 2 लोग बैठे बातें कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। बातें करो करो करो, मोबाइल के अंदर लगे हुए हैं, पूरा इंडिया मोबाइल में लगा हुआ है। मोबाइल ने पूरे इंडिया को बिगाड़ दिया है, सिर्फ मैंने सुधारा है। ये देखिए आप, ये आप मैं लोग दिखाता हूँ आपको, किसका है, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। अब इसके बारे में बात करते हैं। ये कोर्स में मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया क्योंकि मैं चाहता हूँ जर्नलिज्म में करियर। यार बहुत लेट समझ में आया कि मुझे जर्नलिज्म की कुछ ना कुछ तो गुण है, कि मुझे बहुत लेट समझ में आया जर्नलिज्म, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, यूट्यूब चैनल बनने का मुझे बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। इसलिए मैंने इस खास करके यहाँ पे, मैं जा रहा था किसी और काम से, रास्ते में दिख गया तो मैं आ गया। ये FC रोड पे आपको मिलेगा ये। तो ये है सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन जर्नलिज्म। मैंने यहाँ पे विजिट किया। इनका फ्रेंड कैसा है, इनको मैंने विजिट किया तो इन्होंने मुझे बोला इसके फॉर्म्स जो फिलिंग थे वो प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। इसके भी एंट्रेंस एग्जाम है 2-3 दिन में। तो इसके जो फॉर्म्स आते हैं वो मई में आते हैं, आपने फिल करना है। और इसकी एंट्रेंस एग्जाम होती है, 3-4 दिन एंट्रेंस एग्जाम चलते हैं ऑनलाइन एग्जाम, वो आपको क्रैक करनी पड़ती है, फिर आपको एडमिशन मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ 4 से 5 कोर्सेज है, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म है, फोटोग्राफी है, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म है, 3 से 4 कोर्सेज बताए इन्होंने मुझे। और ये महाराष्ट्र लोगों के लिए है शायद से, महाराष्ट्र के लिए कुछ डिस्काउंट भी कुछ है ऐसा। तो ये इसकी फीस भी 6,000 to 7,000 के बीच में आपका एडमिशन हो जाता। मास कम्युनिकेशन इन जर्नलिज्म 2 साल का कोर्स है, अटेंडेंस 75% कंपलसरी इन्होंने बोला। और 6,000 to 7,000 में कोर्स हो जाता है। और अच्छा है, प्लेसमेंट ये नहीं कराते हैं, मगर ये सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी बहुत ही ट्रस्टेड इंडियन ब्रांड है, ना ही इंडिया में, बाहर भी इसकी बहुत वैल्यू है इसका, अगर आपको सर्टिफिकेशन मिल गया तो ये कोर्स कर भी लिया तो आपको कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। वही मैं बोलना चाहता था आपको। और चलते फिर अपने दूसरे राह पे। और यहाँ पे विजिट कर रहे हैं लोग इंक्वायरी के लिए। और ये देखा मैंने 1910 की बिल्डिंग है, बाप रे इतनी बड़ी बिल्डिंग। और ये देख सकते हैं जो जितने भी पुणे में यूनिवर्सिटीज़ है ना सावित्रीबाई फुले के, वहाँ पे ट्रीज इतने लगे, ग्रीनरी इतनी सारी है ना, कि उस यूनिवर्सिटी में जाने के बाद आपको वो यूनिवर्सिटी छोड़ने का मन नहीं करेगा। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है पुणे की। देख सकते हो आप, यहाँ से भी व्यू देख सकते हो। और ये सामने सिक्योरिटी गार्ड बैठा है। और क्या करेंगे करके क्या, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, यूट्यूब चैनल में अपलोड होने वाला है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। तू भी नहीं। चलो थैंक यू सर। और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और ये आपको बाहर से थोड़ा व्यू दिखाऊंगा इसका। ये FC रोड पे अवेलेबल है, ये सामने FC रोड है, देख सकते हो आप। और ये है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन जर्नलिज्म। यहाँ पे उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए है, पार्किंग
ट्रैवलर, टू व्हीलर और पार्किंग, सिगरेट अलाउड नहीं है, स्मोकिंग अलाउड नहीं है, कुछ नियम के उल्लंघन किया, नियम कुछ रूल्स ब्रोक किए तो फिर कार्रवाई होगी। और यह पुणे सिटी, पुणे सिटी में वापस ट्रैक पे आ रही है, देख के बहुत खुशी मिल रही है। पीएमटी बसेस भी स्टार्ट हो गई है विथ रूल्स एंड रेगुलेशन, एक सीट पे एक ही अलाउड है। और बस में खड़े होना है तो 3 ही पर्सन खड़े हो स्टैंडिंग में जा सकते हैं और बाकी एक सीट पे एक ही अलाउड है। और ये सामने भी एफसी रोड का व्यू आपको दे सकता है, लोग खड़े हैं पीएमटी के लिए और ये वहां से गाड़ी चला रहे हैं। देखिए देखिए कैसे देख रहा है, देख तेरा रिकॉर्डिंग हो रही है सब देख रहे हैं। और यहाँ पे बैठने के लिए जगह बनी है, सब लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। यहाँ पे ये वहां से आराम से आराम कर रहे हैं और यहाँ पे ये सब चाय पी रहे हैं। और ये पुणे सिटी के हमें एफसी रोड पे अवेलेबल है। और एक्चुअल में मुझे जाना कहीं और था, और सऊदी अरब जाना कहीं और था, रास्ते में मिल गया तो मैंने विजिट कर लिया, कुछ इंक्वायरी कर ली। और बस यही आपको पूछना था, एफसी कॉलेज और ठीक है फर्गुसन कॉलेज, ठीक है। तो पुणे का एक व्यू दिखा रहा हूँ आपको। COVID-19 सिचुएशन में मोस्ट एक्टिव केसेस है, लगता तो नहीं है ऐसा कि मोस्ट एक्टिव केसेस अगर यहाँ पे होंगे, ये शॉप भी सब ओपन है, सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है, सोशल डिस्टेंस से काम भी हो रहा है। और ये सारे लेडीज आइटम्स है, देखो 200 में चप्पल किसी चाहिए तो ले लेना, एफसी रोड पर अवेलेबल है लेडीज ये देखो। ये लैक्मे का सलून है, सुपर शॉप ही है, ऊपर एफसी ग्रिल हाउस रेस्टोरेंट बार है, देख सकते हो ये ऑरेलिया का कुछ है, वाह। ये लैंग्वेजेस कुछ है, ये ओरिएंटल बैंक है, देख सकते हो आप ओरिएंटल बैंक, ग्रीन कलर, आई लव ग्रीन, स्काई ब्लू कलर, ये जो नेचर कलर है ना, जैसे ट्री का कलर ग्रीन होता है, एनवायरमेंट से रिलेटेड ग्रीनरीज, हमारे नेशनल फ्लैग में भी ग्रीन है, वाइट पीस का होता है, स्काई ब्लू हमारे स्काई का कलर होता है, ये 3 कलर मुझे बहुत पसंद आते हैं। और ये कलर को जो सपोर्ट करता है वो मेरा फेवरेट बन जाता है। और बुके की शॉप है, सर चालू है शॉप, एक 2 मिनट बोले सर, बिजनेस चालू म्हणजे बरोबर होते का आता सध्या, बरोबर झालं सगळं की काय प्रॉब्लेम आहे असंच विचारतो, चालू काम करा। द मोमो पांडा, कलर्स एपिलेक्स, देख रहा है घूर के, देख देख तो फ्रेंड्स यही आपको बताना था और कुछ नहीं। तो अभी मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ, यहाँ से ही क्लोज करता हूँ। ये देखो वैशाली, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग पार्सल सिस्टम अवेलेबल है, बहुत गर्दी है, कुछ फेमस रेस्टोरेंट का, तो मैं आपने यही दिखाया, लोग यहाँ पे मास्क पहने हुए हैं। तो आपको मैंने यही बताया था पुणे सिटी का बारे में, कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी, आपको पता होनी चाहिए जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म और लैंग्वेजेस कोर्स के बारे में। चलिए ठीक है, थैंक्स अ लॉट। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ऑफिस, वाओ, और महाराष्ट्र टाइम्स, फिल्म फेयर, द इकोनॉमिक टाइम्स, नव भारत टाइम्स, फेमिना, सब है यहाँ पे, देख सकते हो आप। जाऊँगा मैं यहाँ पे भी, विजिट करूँगा। सामने सबवे, बर्गर किंग, चाइनीज, फ्रेंकीज, सब है, वहाँ के पास सिस्टम अवेलेबल है। और यहाँ पे फर्गुसन कॉलेज है सामने, और यहाँ पे मुझे आना था। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपके फीडबैक के लिए बहुत वेट कर रहा हूँ, कमेंट ज़रूर कीजिए,
ताकि मैं और अच्छे वीडियो बनाऊँ। मैं सोच रहा हूँ वीडियो एडिटिंग के साथ करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा फीडबैक मिल रहा है। मैं एडिटिंग करूँगा, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत अच्छी एडिटिंग करूँगा। पर भाई सब कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। चैनल को सबसे पहले कुछ भी नहीं किया चलेगा, मैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि फिर आपको नोटिफिकेशन आती रहेंगी मेरे वीडियो के बारे में। ओके, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी, स्टे होम एंड स्टे सेफ। टॉक विद सल्लू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू टॉक विद सल्लू चैनल। और मेरे चैनल का नाम कैसा लगा फ्रेंड्स? मैं सोच रहा हूँ नाम को बदल दूँ, तो इसमें भी ज़रा आप कमेंट दे देना नाम कैसे लगा, रहने दूँ या बदलूँ। मेरे पास बहुत सारे नाम आ रहे हैं, जिसकी एग्जांपल दूंगे तो पुनेकरी सल्लू आ रहा है, इंडियन सल्लू आ रहा है, तो मैं देखना चाहता हूँ नाम कैसे रखूँ। प्लीज़ मुझे इस बारे में भी फीडबैक देना। ओके, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।